नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राहुल चंद्र फिजिक्स में ग्रेट वेलकम है। आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन की ट्रिक के बारे में, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत सारे अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मल्टीप्लिकेशन। तो आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन, टू डिजिट के मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसकी बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। ट्रिक समझिएगा, जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया और फिर मैं प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चन दूंगा, उसके आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में आप बताना, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक सिंपल सा नंबर दे दिया 21 और 22, इसका आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ट्रिक समझ लीजिए, इसको मैं नाम दे रहा हूँ x और इसको नाम दे रहा हूँ y, ठीक है। और इसको मैं नाम दे रहा हूँ, सपोज आपने इसको नाम दे दिया c और इसको नाम दे दिया d। तो देखिए टेक्निक क्या है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आप करोगे तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, y मल्टीप्लाई d। सेकेंड स्टेप आपका क्या रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका इधर करोगे, इसका इधर करोगे, तो इसका इधर करोगे तो एक्स डी आएगा, इसका इधर करोगे तो सी डी आएगा, और इनको आपस में क्या करना है, सॉरी बाय डी बाय सी आएगा, ठीक है। और इनका आपस में करना है, तो तीन स्टेप में आपका आंसर आने वाला है। अब ध्यान दें, प्यार से समझना, पहली बार कोई भी चीज़ समझते हैं तो थोड़ा सा टेंशन और तकलीफ जरूर होती है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में हर एक चीज़ प्रैक्टिस का खेल है, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते। अब देखो जरा इसको अप्लाई करते हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई किया टू आया। अब मैंने अभी आपको बताया इसका इधर करेंगे तो कितना आएगा 4, इसका इधर करेंगे तो कितना आएगा 2, इनको आपस में ऐड किया तो कितना आया 6, और फिर इसको आपस में करेंगे तो कितना आया 4। देखो आया आंसर, तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे चुटकियों में आंसर आएगा। देखो और आपको बताते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा 23 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 25, इसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको बताया 5 × 15, तो 15 की 5 कैरी आपने ले ली, कैरी वाला भी करा देता हूँ, तो ये बन यहाँ पर आ गया। अब इसका इसमें करेंगे तो कितना हो गया 10, तो 10 मैंने लिखा, इसका इसमें करेंगे तो ये 6 लिखा, तो ये कितना हो गया आपका 7, और ये कितना होगा 1, तो 7 को यहाँ लिखेंगे, कैरी का क्या हो गया 1, इसका आप इसमें करेंगे 4, 4 और एक क्या होता है 5, तो 575 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते, जैसे मैंने यहाँ पर आपको 24 दिया और यहाँ पर आपको मैंने 23 दिया, ठीक है। इसका आप आपस में करेंगे, 4 × 3 कितना होता है 12 की 2 हाँ से लगी 1, 3 × 2 = 6 यहाँ लिखा, 4 × 2 = 8 यहाँ लिखा, ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 9 और 15, वो 15 हो गया, ये कितना हो गया 15, 15 का 5 आप यहाँ लिखोगे, कैरी का 1 यहाँ लिखोगे, इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4, 4 और 1 कितना होता है 5, ठीक है। तो 552 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, कोई दम नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ट्राई करना घर पर। 2 × 3 = 2 = 4 ये वाला कराया तो नहीं, करा दिया सारे, 6 लिख देता हूँ, इसका आपको मल्टीप्लाई करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 29 × 27, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 30 × 52, इसका मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 53 × 20, इसका मल्टीप्लाई करना है। 60 × 24, इसका मल्टीप्लाई करना है। आशा करता हूँ आज की ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए इनका मल्टीप्लिकेशन करना, और इनका कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर जरूर देना। और इसी तरह के और भी क्वेश्चन एज्यूम करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना सिखाऊंगा, और भी क्लासेस आएंगी जिसमें मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास का। जय हिंद, जय भारत।